एक टाइम पे आ गए मतलब है। तो भैया अभी सब्जी वाले भैया जा रहे हैं और शाम को अभी दे दो ना अन्ना को, हाँ क्योंकि फिर शाम को तो बारिश का पता नहीं। हेलो जी, राम राम, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ भाई सारे सुख मौज में होंगे। और आज की वीडियो ना बहुत खास है, इसलिए कोई शुरू में हेडलाइन नहीं दी मैंने, मगर पूरा व्लॉग ही दिखा देती हूँ आपको। पिछले दो तीन दिन से मेरे व्लॉग भी नहीं आ रहे, क्योंकि भैया एक तो बारिश का सीजन चला हुआ है और ऊपर से फिर उर्वी को फीवर हो गया था। दो दिन की तो इसकी स्कूल की छुट्टी थी, सैटरडे को मैंने भेजा ही नहीं था क्योंकि भाई इसको फीवर आ गया था। और मौसम बदलते हुए भाई बच्चों का थोड़ा ध्यान रखना भी जरूरी है, इस वजह से अंदर से वाइट और ब्लैक और ये पिंक खा लिया क्या आपने? अच्छा, और ये पिंक निकलता अंदर से, ये ड्रैगन में भी दो वैरायटी है, मेरे को तो आज ही पता चला। तो मौका देखना पड़ा है भाई, बारिश रुकते ही सब्जियां लेने चले गए थे, दो तीन दिन हो गए थे, फ्रूट वेजिटेबल कुछ भी नहीं लेके आई थी। ये घर पे नहीं है इसलिए काम चल रहा, नहीं तो वही बात है मैं तो ऐसे भी काम चला लेती हूँ, लेकिन बच्चों करके यहाँ पर फिर आके हम थोड़ा बैठ गए थे। तो भाई देखो कितनी प्यारी धूप निकलाई है और कई दिन के बाद हल्की हल्की आवे और जावे है, आंधा आंधा घाम सा है। तो हम जाड़े बैठ गए, वहाँ भी इतने बच्चे खेल लेंगे और हम इंजॉय कर रहे हैं। थोड़े हवा भी बहुत बढ़िया चल रही है, तो हम आवाज़ आ रही होगी सन सन की, और बस बैठे हैं सब्जी ले आए हैं। तो अभी मौसम बढ़िया हो रहा था, मतलब साफ मौसम हो गया था, क्योंकि यहाँ ना बारिश का मौसम हो रहा कई दिन से और अब दो तीन महीने ऐसे ही चलेगा। तो सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता, अंदर ही रहते हैं। कभी बारिश रुक गई तो थोड़ा बहुत बाहर निकल लिए, तो बस वो थोड़ी हल्की फुल्की धूप थी, सिर धो रखा था, मैं क्या सिर भी सूख जाएगा और बच्चों को भी थोड़ा सा ये हो जाएगा, गर्मी बंद ना बोर हो जाते हैं। और इसीलिए दो तीन दिन से तो ना उर्वी को फीवर आ रहा था। ये व्लॉग बनाना उस दिन तो ठीक थी फ्राइडे को, और शाम को एकदम से नहीं तो मैं ये फ्राइडे को ही आप लोगों के साथ शेयर करती, लेकिन इसको एकदम से तेज बुखार हो गया क्योंकि वायरल फीवर चल रहा है भाई, पता ही नहीं चलता। बच्चों का ध्यान कितना ही रख ले, लेकिन फिर भी घर के अंदर तो मच्छर है नहीं, एक दो बेशक, लेकिन बाहर पता नहीं चलता ना, बच्चों का खेलते टाइम काट लिया होगा तो फीवर हो गया था, लेकिन अब है आराम, बता देती हूँ मैं आपको। तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं शेयर कर पाई थी। तो यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह लेके मैं क्या धो देती हूँ, क्योंकि वहीं टाइम का नहीं पता चल रहा था, ढाई तीन वहीं बज गए थे हमें, फिर वो फ्रेंड घर पे आ गई थी तो पता ही नहीं चला, बातों में चार बज गए, मैं क्या अब कहाँ लेटूंगी, मैं इनको किचन में लग जाती हूँ। तो यहाँ पर ये सब्जियाँ जो लेके आए थे इनको धो देती हूँ, थोड़े से दो चार बर्तन थे वो भी निपटा देती हूँ, और फिर मैं क्या चलो साथ के साथ आप लोगों के साथ बात हो जाएगी। और महंगाई ने तो भाई जम्मा चौड़ा पाड़ रखा है, या थोड़ी सी सब्जी 250 रुपये के लिए आई थी, और आज मैंने और उर्जू ने सेम सेम पहना भी आर्मी का। तो ये देखो देखो उर्जू की तो ना ऑनलाइन मंगा रखी है, लेकिन जो मैंने पहन रखी है ना भाई, या मतलब एक वर्दी की जो फीलिंग होती है ना, जो जज्बा जो भावना जुड़ी होती है वो चीज़ मायने रखती है ना। तो यूं ही कोनी बदन पे वर्दी आंदी हुई, उसके लिए बहुत पसीना बहाना पड़ा है, बहुत मेहनत करनी पड़ा है, और कोई भी बेउद्दी औरत आके आप मतलब इस वर्दी के बारे में एक आर्मी मैन के बारे में कुछ भी बोल देगी, और वो जायज़ लगता है लोगों को। क्यों? क्योंकि भाई वो उसको उसने ना एक ऐसा पर्दा डाला हुआ है लोगों की आंखों पे सराफत का, कि वो सराफत है। लेकिन आज देखो मैं कुछ पॉइंट रखूंगी आप लोगों के सामने, आप बताना। सबसे पहले तो ना जिन औरतों को यही नहीं पता कि भाई मैटर क्या है, किसकी किसने पहले क्या कहा था, वो कमेंट करके जा रहे, तो उनको ना मैं यही कहूँगी कि भाई पहले आप जानो फिर कॉमेंट करा करो, क्योंकि बहुत हर्ट होता है, एक दो कॉमेंट ऐसे पढ़ते हैं ना तो आपको पता ही नहीं मैटर क्या है। अगर ये बताइए, अगर आप गली में चल रहे हैं और कोई आपने गाली दे दे, आप किसी ने जान दे को नहीं, कोई आपने गाली दे दे और ऊपर से फिर आकड़ पैड आप आपके परिवार तय आपके शरीर के ऊपर कुछ कमेंट करे, बहुत पब्लिक में आकर ना ये दिखाओ कि भाई ये तो मेरा एटीट्यूड है और ये तो ऐसे रहेगा, कोई पुंजड़ पाड़ो तो सामने तुम क्या करोगे, और फिर ऊपर से सिंपति गेन कर रहा वो इमोशनल ड्रामा करके, तो क्या क्या करोगे आप? ये कहोगे कि नहीं कोई बात नहीं, उसने जो कह दिया तो मैं तो महान हूँ और मैं तो ना इसको माफ़ कर रही हूँ? ना भी, मैं महान नहीं हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देखो गुड्डी के बारे में भी उसने गलत बोला, उसने बोला तो बहुतों के बारे में गलत है, लेकिन गुड्डी का अलग मैटर है भाई, मेरा अलग है, वो माफ़ कर सकती है। गुड्डी ने खुद बोला कि वो फैमिली के खिलाफ नहीं सुन सकती, लेकिन उसको कोई कुछ भी कह लो वो सुन लेगी। लेकिन यहाँ मेरा नज़रिया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि भाई अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए
कुछ भी कर सकते, हम किसी से भी लड़ सकते हैं। अगर हम खुद की नहीं इज्जत करेंगे तो दूसरों से क्या उम्मीद कर लेंगे कि कोई। तो भाई मैं गुड्डी नहीं हूँ कि जो अगर वो मेरे को बोलेगी तो मैं कुछ भी, गुड्डी खुद कह रही है कि भी वो उसके करेक्टर को लेकर कुछ भी बोलो लेकिन फैमिली के ऊपर मत जाओ। लेकिन मैं क्या कहती हूँ, अगर कोई बंदा मेरी सोच जहाँ तक है और जहाँ तक है हमारी सोच ही मायने रखती है, मैं नहीं चाहती, मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई बंदा बिना बात आपको गाली दे के जा रहा है और आप चुप बैठ जाओ। क्यों भाई, किसी का लेके खा रखा है क्या? गलत ना होते हुए भी ऑडियंस को क्या लगता है कि भाई ये तो देखो चुप ही नहीं बैठ रही, ये तुम्हारे संस्कार है क्या, तुम उसको कैसे कैसे कह रही? क्यों, वो उसके संस्कार थे क्या? वो एक फौजी के ऊपर इतने अपशब्द बोल के गई है, ड्रेसिंग सेंस के ऊपर बोल के गई, उसको खुद को नहीं पता क्या होता है? वो पूजा पाठ को, तिलक लगाने को, हमारे हिंदू धर्म को, उसको यही नहीं पता पूजा करने के बाद नियम होता पूजा का कि तिलक ना लगा तो पूजा अधूरी होती है, उसको ये नहीं पता, वो ढोंग बता रही है वो। आप उसको क्या देख के क्या सीख रहे हो? ये सीख रहे हो क्या कि भी किसी को भी गाली दे दो और फिर इग्नोर कर दो उसको, किसी को गलत, किसी के साथ गलत करो और उसको इग्नोर कर दो? नहीं, सीख क्या रहे हो आप उससे? मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए किसी के साथ भी लड़ सकती हूँ और वो है ही कौन। हाँ, एक पल के लिए हम परिवार वालों के से ये कर सकते हैं समझौता कि हाँ भाई कोई बात नहीं, इनके साथ हमें रहना है, वो करना है, लेकिन जहाँ पर अब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है ना, तो मैं किसी के साथ समझौता नहीं करती, क्योंकि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं किसी की रीस नहीं करी, ना किसी का जिक्र करना चाह रही, सबका अलग अलग रहता है, लेकिन मैं अपने आत्म सम्मान के लिए मर सकती हूँ भाई। मुझे नहीं पसंद और ना ही मैं बर्दाश्त करूँगी और ना ही किसी को इतना मैं, और ऊपर से वो उछल भी ऐसे रही थी, वो किसी को बॉडी शेमिंग करे तो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि उसने तो पाई जोड़े का नाटक जो कर लिया था ना, लोगों की संपत्ति बटोर ली। लेकिन उस टाइम लोगों ने ये बोला था, जब मैंने स्टार्टिंग में उसके बारे में जब आवाज़ उठाई थी ना, उसने ये बोला था सबने कि वो दिखाओ सबूत, तूने अपने अपने वॉइस सुना दी, उसकी नहीं सुनाई। और फिर उसने क्या कहा था, नहीं इसने तो अधूरी सुनाई। अरे अगर तेरे में गलती ही नहीं है तो तू दोनों, तब मानती मैं उसका एटीट्यूड कि वो अपना पक्ष भी रख देती और फिर ये बोलती कि भाई हाँ अब मुझे ना इन झमेले में नहीं पड़ना, मेरी भी इज्जत है। लेकिन वो तो वो पक्ष ही नहीं रख रही ना, वो तो वो सबूत दे ना वो, क्योंकि हो तो ही देगी ना, ये कोई समझ ही नहीं रहा इस बात को। लोग बोल रहे हैं कोई बात नहीं छोड़ दो छोड़ दो, क्यों छोड़ दें भाई? वो किसी को बॉडी शेमिंग कर रही है कि किसी ने भी वह झोटा कह दे, किसी ने भी वही नू कह दे कच्छा कच्छा मैं नाच चाह नू कर, किसी ने भी वही वाह सुमन के ऊपर उसने बहुत कुछ इल्जाम लगाए, वो किसी को भी कुछ कह सकते हैं। लेकिन हम कालो ने कालो ना कह दे, या तो बड़ी पक्षपात कर रहे हो भाई तुम। उसका सरेआम सब देख रहा है, मैंने कभी उसके घर वालों पर कभी कमेंट नहीं किया था, कभी उसको गलत नहीं बोला था, लेकिन उसका तो पूरा परिवार उठ के आया था, उसका तो लोग भी जनानी वाली बात करके गया। तो इब हम इस बात ने या भी निकंदे, वो मानस से कोने वालू गाई ये कोनी जो सही न सही और गलत ने गलत नहीं कह सकता। उसके तो भाई भी उछला था, आ तुमने याद हो तो मैंने उस छपरी के ऊपर वीडियो भी बनाई थी, उसके भाई वहाँ भी आए थे, तब भी तुम लोगों ने मैं जब मैंने अपना पूरा पक्ष रख दिया, मैंने पूरी बात बता दी, सबको पता है कि वो गलत है, फिर मुझे को कह रहे हो कि भाई तू पीछे हट जा, जब तक माफ़ी नहीं मांगेगी मैं पीछे नहीं हटूँगी। गुड्डी तो ये कह रही है कि भई आगे से फिर कहेगी तो देखूंगी, उसने कमेंट में कहा ये कहा सामने से अगर वो करेगी, वो ना कहे नू, तुम्हें पता है कि तुम उसके मन में वो क्या कुछ कह रही है, किसको क्या सुना रही है, लेकिन तो भी मैं नहीं हूँ भाई अभी आगे फिर गलती का उसको मौका दूँ नो, क्योंकि मैं हूँ। और जो ये ऑडियंस उसको देखती है ना, उसका पक्ष ले रही है, पहले ये देखो उसमें कितनी कमियां हैं, वो क्या सिखा रही है तुम्हें। सावन के महीने में घर में चिनाई लगाई और सांप लिगड़े बोले हमने मार दिए दो थे जोड़ा, अरे बेउदे, अरे मतलब नरक में भी जगह को नहीं मिला है। अगर घर में जोड़े से सांप निकलता है ना, नींव धरी जाती है, चांदी का नाग नागिन हम नींव में रखते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है अगर दर्शन दे जाए तो, क्योंकि वो किसी को परेशान नहीं करते। लेकिन वो ऑडियंस को क्या सिखा रही है कि भी मार दो बदतमीज। तो ये बच्चे खेल रहे हैं, इनको फूंक दे दिया था काट के, और बस सब्जी मैं सिंपल सा छोंक लगाऊंगी क्योंकि क्योंकि क्या आलू डालना भूल गई, थोड़ा तीखा खा लेते, लेकिन कोई भी बेसन डाल दूंगी हल्का सा, और क्या
आटा लगाना है, अभी दूध वाले का फोन आ गया, दूध लेके आना है 7 बज के, दिन छिप गया है। और यू लोग एडिट करके डालना है, आके रोटी बनानी, एक बाल्टी कपड़े के बीच जी दरिया, कल बृहस्पतिवार था, दो ही कौन थे तो आज भी गो दिए थे सुबेरे, तो मैं भी जी दरे हैं कि बैटरी भी लो रही है, 10% रहेगी फोन की। कपड़े फिर दूंगी, पहले वीडियो एडिट करूंगी, पहले दूध ले आऊंगी, रोटी बनाऊंगी, बर्तन नफाऊंगी, मैं खाऊंगी, साथ साथ वीडियो भी एडिट हो जाएगी। 8:30 बजे तक ये व्लॉग था तक पहुंच जाएगा। और कल वाले व्लॉग पे आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, बस इसी प्रकार तय सपोर्ट बनाए रखो। मैंने भी देखो, मैं भी मोटिवेट होती रहती हूँ, आप लोगों का सहयोग मिलता है तो मेरे में भी थोड़ी वो भावना आवे कि हाँ भाई पुदीना खा ले, ये ना पुदीना कच्चा बिहार की पसंद है, तो और किसी के लिए कंपेयर ना करा करो, क्योंकि सबका अपना अपना वो है, सबका अपना ठीक है उसने पॉइंट ऑफ व्यू जो भी कुछ, तो सबका अपना है, अपनी सोच है, अपने विचार हैं, तो बस हम किसी की रीस नहीं करते, हम जो है वो है। तो भाई इसी के साथ आज के इस व्लॉग का यही कर रही हूँ मैं एंड, तो मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। भाई अपनी राय रखा करो, सबकी राय को मान दिया जाएगा, हर एक बात का आप लोगों को जवाब आई हो कि मिल भी रहा होगा, और हम ऐसे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि भाई वही बात है, हम ना किसी का वो नहीं है, हम ना तो किसी की रीस कर दे ना किसी का, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो है, सब अपने दिमाग से चलना है, सबका अलग अलग नज़रिया हुआ है, तो मैं अपने नज़रिए के हिसाब से चलूँ, मेरा कुछ अलग है, उनका कुछ अलग मैटर है, तो हम इतने मान नहीं बनते, और ना ही बारी सारी है बात, तो एक वो छाता लेकर दूध दिया हूँ, फिर लेट हो जाऊंगी, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।